इस वक्त की बड़ी खबर इटावा से है, जहां इटावा में शराब से भरा हुआ कंटेनर पकड़ा गया है। नेशनल हाईवे पर जाते समय पुलिस ने कंटेनर को पकड़ा है। पुलिस और आबकारी विभाग की टीम द्वारा की जा रही थी चेकिंग। पार्सल नुमा बॉक्स में जा रही थी शराब, पुलिस ने कंटेनर में लदी शराब को पकड़ा। आपको बता दें, यह पूरा मामला इटावा के बकेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे का है, जहां आबकारी विभाग को गोपनीय तरीके से सूचना मिली थी कि एक कंटेनर में शराब लदी हुई है, जो कि बकेवर होते हुए हाईवे से गुजर रहा है। इसी आधार पर आबकारी विभाग व पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग की जा रही थी। आज हमारी टीम के द्वारा नेशनल हाईवे पे चेकिंग की जा रही थी। मुखबिर से हमें सूचना भी थी कि शराब की संदिग्ध गाड़ी निकल सकती है। उसी सूचना के आधार पर हम चेकिंग कर रहे थे। GST की टीम भी लगी हुई थी। एक गाड़ी कैंटर गुजरी, जिसको हाथ दिया गया, उसने गाड़ी रोका नहीं, हमें संदिग्ध लगा, उसका पीछा किया। तो यहाँ आके हीरो एजेंसी जो है, उसके थोड़ा पहले उसने गाड़ी खड़ी कर दी और ड्राइवर जो है भाग गया। फिर बाद में थाने की पुलिस को भी सूचना दी गई। संयोग से ये लोग जो है यहाँ पुल के नीचे चेकिंग कर रहे थे, ये लोग तुरंत ही रिस्पॉन्ड किए और पहुँच गए। फिर हमारी और पुलिस की संयुक्त टीम ने जब कंटेनर को खोल के देखा तो हरियाणा निर्मित शराब पाई गई, और जिसमें जो है लगभग 200 पेटियाँ हैं, जिसमें आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है। कितनी अनुमानित लागत तक जा रही है? लगभग 15-20 लाख रुपए की कीमत की शराब आकी जा रही है। किसी गिरफ्तारी नहीं, मौके से कोई गिरफ्तार नहीं हो सका है, लेकिन गाड़ी कब्जे में ली गई है और कार्यवाही की जा रही है।